hello guys welcome back to inter learning academy so we are back with class 1 english unit 7 so let's start the poem a kite learn and enjoy this poem i often sit and wish that i could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way i chance to blow let's repeat i often sit and wish that i

काइट एंड सिट नो वट इज ब्लो ब्लो का मतलब होता है फूक मारना बट इस पोम में ब्लो का मतलब होता है हवा का झोंका ब्रिज मतलब ठंडी ठंडी हवा चांस मतलब मोका काइट मतलब पतंग सिट मतलब बैठना लेट्स रेट चलो पढ़ते हैं इसे आई कैन फ्लाई अ काइट लेट्स रिपीट आई कैन फ्लाई अ काइट इसका क्या मतलब होता है कि मैं पतंग उड़ा सकता हूँ फ्लाई का मतलब होता है उड़ना पतंग क्या करती है आसमान में उड़ती है आई कैन फ्लाई अ काइट इसका मतलब होता है मैं पतंग उड़ा सकता हूँ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन आई लव टू सिट अंडर अ ट्री लेट्स रिपीट आई लव टू सिट अंडर ए ट्री मुझे ट्री के नीचे बैठना बहुत पसंद है मुझे ट्री के नीचे बैठना बहुत पसंद है नो चिल्ड्रन वॉट इज दिस अंडर अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे या किस चीज़ के नीचे की बात हो रही है का मतलब मतलब होता होता है है बैठना। इसका मुझे ट्री के नीचे बैठना बहुत पसंद है लेट्स मूव टू दाइड क्वेश्चन चाइल्ड विश टू बी चाइल्ड को क्या बनना है चाइल्ड विशेष टू बी गाइड द चाइल्ड

वट वुड यू लाइक टू भी आपको क्या बनना पसंद है डॉक्टर बनना पसंद है बर्ड बनना पसंद है चिड़िया बनना पसंद है पैरट बनना पसंद है बटरफ्लाई पसंद है वॉट वुड यू लाइक टू भी डिस्कस विद डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स नाउ इमेजिन यू आर ए बर्ड सोचो कि अगर आप बर्ड रहते हैं इन द स्काई डिस्क्राइब वॉट यू फील वेन यू सी अइड फ्लाइंग नियर यू अगर आप बर्ड रहते स्काई में अगर आपके साथ में एक पतंग उड़ती होती तो आप क्या करते क्या करते हम लोग वॉट आई विल डू जैसे कि बर्ड उड़ रही हो पतंग भी साथ में उड़ रही हो, मैं क्या करता आई फील वेरी एक्साइटेड अगर मैं बर्ड रहती तो आई फील वेरी एक्साइटेड एंड उसके पीछे पीछे जाती पलंग के पतंग के पीछे पीछे जाती एंड उसको अपनी बीक से पतंग को फाड़ देती नेक्स्ट गो से अलाउड ब्राइट काइट राइट

ट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई कौन कौन सी दूसरी चीजें जो पता, जो हवा में उठती है एक तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था काइट और कौन कौन सी चीजें है? हैं व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स बर्ड्स भी उठते हैं एरोप्लेन भी उठते हैं और कौन कौन सी चीजें बेटा जो आसमान में उठती है एरोप्लेन है रॉकेट है राइट सो दिस आर दिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई कौन कौन सी चीजें आसमान में उड़ती हैं वी हैव काइट वी हैर्ड्स वी हैव एरोप्लेन वी हैव रॉकेट वी एव हेलीकॉप्टर दर सो मेनी थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई ना इफ यू हैड विंग्स अगर आपके पंख होते वे वुड यू फ्लाई आप कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं आप मैं मैं लंडन जाती और आप लोग कहां जाते हैं डिस्कस दिस आंसर विथ योर पेरेंट्स नाउ लेट्स मूव दिस ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न वट इज दिसन है क्या करना है इसमें हमको ट्रेस करना है हाउ वी विल डू देश आई शो यू हाउ यू हैव टू डू द ट्रेसिंग से दिस इज द रेन दिस इज द क्लाउड्स ये बारिश आ रही लेट्स कनेक्ट द डॉट्स वेरी स्लोली एंड वेरी वेरी नीटली सो वट आर वी डूइंग क्या कर रहे हैं हम लोग वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स एंड वी आर कंप्लीटिंग दिस Clouds catere? Clouds are giving rain. Let's complete the second one as well. Make sure that you're doing it very neat and clean and with the help of your pencil. Children, if you're not able to do you can take the help from your parents as well. Let's move to the third rain. See, we'll start from here. Can you see the dots? What you have to do? You have to connect the dots. See, you have to connect till here. Can you see these raindrops? you have to connect this and you have to do it with your pencil okay children do complete this in your book with the help of your parents now use the picture clues to draw pictures of the day sky and night sky day sky and night sky in the window color the pictures now this is stars what is this stars this is rainbow this is moon this is sun. Let's repeat: stars, rainbow, moon, and sun. Now, children, in the day, do you see? Stars in the day? No, we, we don't see stars in the day. What do we see? We see sun. So we will draw a little sun with the help of your pencil. And what is this? Rainbow. din what do can see in the day? We can see rainbow. Let's do to the night sky. Ratme kya kya dikta hai? We see stars. We see so many stars shining in the night. And this is the moon. Moon bhi apne ko hai na? So, this is the day sky. And this is the night sky. So, children, do complete this in your book with the help of the pencil. Now, let's do what is this? You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. Stars Sun Cloud Rainbow And moon Now what you have to do in this? You have to write the names You can take the help from this box So children what is this? This is sun So what shall I write here? I will write it Sun S-U-N Sun Sun ka bata hai? Sun din mein aata hai This is rainbow Rainbow R -A -I -N, R-A-I-N Rain

C L O U D Cloud. Let's repeat again S U N Sun, M O O N Moon, C L O U D Cloud, Sun Matlab Suraj, Moon Matlab Chandamama, Cloud Matlab Badal, Rainbow, Rainbow Kabata Jabari Shatya Jabata Rainbow, and these are stars S T A R S stars. So that's all for today, children. I hope you like this video. We'll meet you soon to the next video. Till then, bye. Take care and God bless you all. Thank you.